अपर रिब्स पे अटैच है वो भी रिब्स को लिफ्ट कर रहे हैं और स्टर्नोक्डो मैस्टॉइय जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था ये क्लाविकल से अटैच्ड है और स्टर्नम से अटैच्ड है जब रिब्स मूव होंगी और स्टर्नोक्डो मैस्ट्रॉइड मूव करेगा तो स्टर्नम भी उठेगा जैसे ये, ये अब बैकबोन है और ये सामने स्टर्नम शो हुआ हुआ है एक रिब शो हो रही है बाकी के रिब्स यहाँ पे शो नहीं हो रही बट दे आर गोइंग लाइक दिस So when the ribs will rise, the sternum will move upward and forward, just like the handle of a water pump. Easily, this is called the pump handle movement. just say obviously, diameter, which is called the anteroposterior diameter, that changes and increases. And then we have this diaphragm. When diaphragm will flatten, the vertical diameter will change. फ्टर दैट ई डेट एक्सपेरेशन और एक्सपेरेशन में मैंने आपको बताया था कि अब हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की तरफ आ गए हैं इनके फाइबर्स का डायमीटर डाउन एंड बैक है ये खींचेंगे ऊपर वाली रिब्स को नीचे एंड के एट विल कलेप्स डाउन एंड इन साइड एट द सेम टाइम वी हैव रेक्टेस डोमिनस मसल देर आर टू ऑफ दैम एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एंड दोनों मिल के वो सिक्स पैक अपेयरेंस बनाते हैं They are attached to the sternum and the ribs. They will pull the ribs down. And that will also decrease the size of the chest. External oblique muscles. Huh? Sorry. Yeah. Um, there. External oblique muscles. And these are the muscles of expiration. Because, but remember what I told you before. I told you before. जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं हम मसल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जब हम नॉर्मली ब्रीद आउट करते हैं हम सिंपली उन मसल की कॉन्ट्रेक्शन को छोड़ देते हैं और एक नेचुरल रिकॉयल के जरिए एक्सपायरेशन होती है एनाटोल जू की इट्स ओनली वेन वी आर रनिंग डूंग सम एक्सरसाइज जहां पर हमें ज्यादा ब्रीदिंग करनी है आर एक्सटर्नल आर मसल ऑफ एक्सपरेशन विल कम इन टू प्ले ठीक है ये जो दो सेकेंड आए हैं जिसमें मैंने अभी एक्सेल किया है और नेक्स्ट इनहेल नहीं किया ये रेस्टिंग स्टेज थी लंग की जिसमें लंग एक्सपैंडेड था लेकिन ना एयर अंदर मूव कर रही थी ना एयर बाहर Do this again so that you know what stage we are talking about. Inhale, exhale. So these three seconds were the resting phase of the lung. I'm going to talk about this phase now. Oh. In this phase, even though हमारी एयर की मूवमेंट नहीं हो रही लेकिन लंग्स एक्सपैंडेड होते हैं उसकी वजह क्या होती है कि इस स्टेज पे लंग्स आर एक्सपैंडेड बिकॉज़ देर इज समथिंग व्हिच इज कीपिंग देम एक्सपेंडेड एट द रेस्टिंग स्टेज लंग्स आर कोलैप्सिंग इनसाइड दे रिकॉइल एज टुवर्ड्स द इनसाइड लंग्स की तशबीह एक ऐसे इलास्टिक um, uh, के स्प्रिंग um, से है जिसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है अगर हम छोड़ देंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा लेकिन इसी तरह लंग्स जो हैं वो स्ट्रेच आउट हैं अंडर रेस्टिंग कंडीशन उनकी टेंडेंसी टू कलेक्स अंदर की तरफ है और चेस्ट वॉल की तस्वीर हम एक ऐसे स्प्रिंग से दे सकते हैं जिसको हमने कंप्रेस किया हुआ है अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगा तो यानी चेस्ट की कलेप्स की टेंडेंसी बाहर की तरफ से है जब दो सर्फेसिस एक दूसरे से अगेंस्ट मूव कर रही होती हैं, एक दूसरे से दूर प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती हैं, तो उस स्पेस में नेगेटिव प्रेशर बनता है वाटर में देखें तो इसको जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर कहते हैं दिस इज योर बेरोमेट्रिक प्रेशर अब जब हमारा ग्लॉटिस खुला होगा हमारा और फ्रीली एयर मूव कर रही होगी एटमोस्फेयर से ट्रेकिया से अंदर लंग्स में तो प्रेशर इक्वल होगा इसका मतलब जब हम ना ब्रीद इन कर रहे हैं ना ब्रीद आउट कर रहे हैं तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है जिसको इंट्रा एल्बियोलर प्रेशर कहते हैं दैट इज द सेम एज एटमोस्फेरिक प्रेशर विच मीन्स अगर हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कहें वो सेवन सिक्सटी है और अगर हम सेंटीमीटर ऑफ वॉटर में कहें तो वो जीरो सेंटीमीटर ऑफ वाटर है मैंने आपको बताया कि इंटरप्लूरल प्रेशर लेकिन जो है वो नेगेटिव में होगा मिडल पार्ट में देखें तो ये हमारी एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है आपको 760 से कम होके मरकरी mm होता है इंटरप्लूरल प्रेशर इन द मिडल पार्ट ऑफ इंटरप्लूरल स्पेस अगर सेंटीमीटर ऑफ वाटर में करें तो माइनस होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एपिक्स और बेस ऑफ द लंग में इसकी क्या वजह है इसकी ये वजह है कि यहां पे तो सिर्फ दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो लंग है वो अंदर जा रहा है और आपका जो चेस्ट है वो बाहर जा रहा है और इन दो फोर्सेस की वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है एट द एपिक्स अपार्ट फ्रॉम दीज फोर्स एक एडिशनल फोर्स है वो है कि लंग का वजन उसको ग्रेविटी की वजह से नीचे खींचना है निकॉज लंग्स आर सस्पेंडेड इन द प्लूरल ग्रैविटी ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से एक और पुल इनके ऊपर एग्जर्ट होगा तो ये जो इंटर प्लर प्रेशर यहाँ पे मजीद नेगेटिव हो जाएगा इसलिए माइनस फाइव की जगह एपिक्स पे होता है माइनस टेन बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग द एल्वियोलर सर्फिस द लंग सर्फिस फर्दर अवे फ्रॉम द चेस्ट कॉल इसलिए यहाँ पे माइनस टेन अगर हम सेंटीमीटर्स में कहें और सेवन फिफ्टी सिक्स से भी कम सेवन फिफ्टी थ्री अगर हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी की बात करें उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बेस पे देखें तो एक तो बेस लाइन जो हमने प्रेशर बताए रीकॉयल का लंग का अंदर की तरफ चेस्ट का बाहर की तरफ वो तो है लेकिन यहाँ पे एक प्रेशर है जो इन सर्फेसिस को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो है लंग का वेट ग्रेविटी की वजह से एल्वियो ये लंग की सरफ़ेस को चेस्ट की सरफ़ेस के करीब कर रहा है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी कम है माइनस फाइव की जगह माइनस टू पॉइंट फाइव है और या अगर हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में देखें तो सेवन फिफ्टी सिक्स की जगह सेवन फिफ्टी एट है तो ग्रेविटी के इफेक्ट की, की वजह से ऑल ऑल्दो ओवरऑल तमाम इंटरपल्लर प्रेशर नेगेटिव ही है लेकिन बिकॉज़ ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर ज्यादा है एट द एपिक्स और नेगेटिविटी थोड़ी सी कम है एट द बेस हम चाहते हैं कि ये लंग्स का ट्रांसम्यूरल प्रेशर दोबारा आ जाए ताकि ये फूल जाएं इसके दो तरीके हैं एक तो ये कि यहां पे ट्यूब लगा के आप एयर को पंप आउट करने की कोशिश करो और दोबारा से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करो स्पेस में इसके लिए चेस्ट ट्यूब डाली जाती है जहां पे भी पंचर होता है चेस्ट चेस्ट ट्यूब के जरिए सक्शन आउट किया जाता है एयर को और कोई और फ्लूड जहां पे जमा हो ताकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो उस तरीके से ट्रांसम्यूरल प्रेशर बढ़ेगा दूसरा तरीका आपने आजकल बड़े नाम सुन रहे हैं वेंटिलेटर वेंटिलेटर क्या करता है वेंटिलेटर फोर्सफुली एयर अंदर भेजता है वेंटिलेटर के जरिए भी ट्रांसफर प्रेशर बन जाता है और आपका जो एयर है आपका जो एल्बुल लंग है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है जब वेंटिलेटर अंदर पॉजिटिव प्रेशर डालेगा तब आपका लंग फूल जाएगा जैसे इंस्पिरेशन में फूलता है जब वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर भेजना कम कर बंद कर देगा तब लंग कलेप्स कर जाएगा दोबारा से एक्सपायर कर जाएगा चुरली हम दूसरे तरीके से ट्रांसम्यूरल प्रेशर चेंज करते हैं नेचुरली हम चेस्ट को एक्सपैंड जब करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और उस वजह से ट्रांसम्यूरल प्रेशर बढ़ता है और लंग्स एक्सपैंड करते हैं वेंटिलेटर उसके ऑपोजिट करता है ये बात आपको समझ आई ठीक है तो अब ये उन्होंने बताया कि पॉजिटिव एयर प्रेशर से भी लंग को एक्सपैंड किया जा सकता है कि ट्रांसपर्मरी प्रेशर बढ़ जाएगा अगर हम एल्वुलर प्रेशर को प्लस फाइव कर दें इंटरप्रोलर प्रेशर नेगेटिव नहीं है फिर भी लंग बढ़ जाएगा और अगर इंटरप्रोलर प्रेशर नेगेटिव हम कर दें और एल्वियोलर प्रेशर को ना चेंज करें फिर भी लंग वापस अपने साइज पे आ जाएगा एक्सपैंड हो जाएगा उसके वॉल्स में प्रेशर आ जाएगा दिस इज अ बेसिक यू हैव टू अंडर की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं कैसे कि अगर एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है इस सिचुएशन में जब लंग्स का करते हैं अच्छा एक पॉइंट ये है कि जब लंग लंग्स करता है ना तो वो हंड्रेड परसेंट खाली नहीं होता उसके अंदर थोड़ी सी एयर रह जाती है और उसकी वजह ये है मैं आपको बताती हूँ कि ये आपकी एलवियोल एक आपका एयरवे दिखाया हुआ है ये आपका ब्रोंकियोल है और हर ब्रोंकियोल के एंड में ये बलून लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाय और इनसे भरा होता है लंग जब लंग कलेप्स करता है ना तो एल्वियोला ब्रोंकियोल्स पहले कलेप्स कर जाते हैं एल्वियोलाय से तो एल्वियोलाय में कुछ एयर ट्रैप्ड रह जाती है इट्स नॉट लाइक अ बलून जिसमें से सारी की सारी हवा निकल जाती है लंग्स के चूंकि आप जो आपके लंग्स के एयरवेज हैं ब्रोंकियोल्स हैं वो पहले कलेप्स कर जाते हैं तो थोड़ी सी एयर एल्बुलाई में ट्रैप रह जाती है इसीलिए टोटल लंग कभी कलेप्स नहीं करता तकरीबन तो टेन परसेंट एयर उसमें रह जाती है अब उस टेन परसेंट एयर से हम एक एक्सपेरिमेंट एक करते हैं लंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी समझने के लिए उसको कहते हैं कंप्लायंस एक्सपेरिमेंट अब सोचो यहाँ पे वेंटिलेटर लगा हुआ है ठीक है टेन परसेंट लंग कलैप्स है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव प्रेशर डालेंगे और देखेंगे कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव प्रेशर इंट्रोड्यूस करते हैं लंग्स एक्सपैंड कैसे करता है इस बेसिस पे ये ग्राफ बनता है जिसको कहते हैं कंप्लायंस डायग्राम कंप्लायंस डायग्राम के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ लंग क्या है ये एक्सेस शो करता है ट्रांसपलमरी प्रेशर यानी वॉल का प्रेशर जो कि हम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये इंटरप्रोअल प्रेशर कम करके भी हम बढ़ा सकते हैं और एल्वियोल प्रेशर ज्यादा करके भी हम बढ़ा सकते हैं और ये परसेंटेज ऑफ लंग है यहाँ पे लंग हंड्रेड परसेंट एक्सपेंडेड है जहां पे बिल्कुल कलैप्स है जीरो पे लेकिन ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा है टेन परसेंट से हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ एयर ट्रैप रह जाती है ठीक है अब इस कलैप्स लंग पे जो टेन परसेंट एयर ट्रैप्ड है हम ट्रांसपर्मरी प्रेशर ट्रांसम्यूरल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे कि आपने तीन चार पांच मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक भी सेंटीमीटर ऑफ वॉटर भी आपने प्रेशर बढ़ाया लेकिन लंग एक्सपैंड नहीं हो रहा इवन दो तो हमने शुरू में ट्रांस प्रेशर बढ़ाया है उसके बाद फाइव और एट के दरम्यान स्लाइटली जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं टेन से ट्वेल्व परसेंट होता है लंग का वॉल्यूम आफ्टर सेंटीमीटर ऑफ वाटर लंग इजिली एक्सपैंड करना शुरू कर जाता है और ट्वेंटी मिली सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे मजीद एक्सपेंशन नहीं होती क्योंकि हंड्रेड परसेंट एक्सपेंशन हो गई होती है दिस इज अक बिहेवियर ऑफ द लंग